पारसकुला पर हॉस्पिटल सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जुड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जुड़े मरीज उठा सकते हैं फायदा। उत्तर बिहार का विश्वसनीय अस्पताल पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा अब सीजीएचएस से जुड़ गया है, यानी सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जुड़े किसी भी मरीज का इलाज अब पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में काफी किफायती कीमत पर हो सकता है। सोमवार को हॉस्पिटल परिसर में संवाददाता सम्मेलन में पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा के यूनिट हेड डॉक्टर रईस खान ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में अब आयुष्मान भारत योजना के तहत न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक से संबंधित बीमारियों का भी इलाज होगा। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल में बहुत कम अस्पताल है जो सीजीएचएस से जुड़े हैं। हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा के सीजीएचएस से जुड़ने से मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पटना या अन्य शहरों में जाना नहीं पड़ेगा। इससे मरीजों का समय और संसाधन दोनों बचेगा। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुहास आराध्य ने कहा कि बहुत कोशिशों के बाद हम यह सुविधा उपलब्ध करा पाए हैं। ज्यादा से ज्यादा मरीजों को इससे फायदा मिले, यही हमारी कोशिश है। संवाददाता सम्मेलन में सेल्स एंड मार्केटिंग के उपाध्यक्ष श्री तरुण मजुमदार ने इस सुविधा के बारे में विस्तार से बताया कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजना है। यह भारत की केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारियों तथा उनके आश्रितों को संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है। यह सुविधा सरकार के सभी कर्मचारी, वर्तमान और पूर्व सांसद, पूर्व राज्यपाल और उप राज्यपाल, रेलवे बोर्ड के कर्मचारी एवं सौंदर्य तो हमारा यही है कि हम दरभंगा और इसके आसपास के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिशरीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रिटायरी, पेंशनर्स एंड बेनिफिशरी, हम उसको ये सब सुविधाएं दे पाए। तो इस प्रोसेस में हम काफ़ी दिन से लगे हुए थे और ये प्रोसेस हमें मिल गया है। हमारी सारी स्पेशलिटीज की फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल होगी और ऑल सीजीएचएस एम्प्लॉयज एंड देयर बेनिफिशरीज एंड कैशलेस फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल फॉर डायरेक्टर पारस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। हमारे साथ अभी आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम आज रखा है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डॉक्टर रईस, यहाँ के यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर मिस्टर तरुण मजुमदार, जो पूरे हमारे ग्रुप के सेल्स एंड मार्केटिंग के इंचार्ज है। मेरे राइट साइड पे डॉक्टर श्रवण, ही इज अवर ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर। वी गॉट वेरी सीनियर पर्सन हियर, डॉक्टर केशव मोहन झा इन न्यूरोसर्जरी एंड डॉक्टर अंजन लाल दास फॉर अवर इंटरनल मेडिसिन। आज का प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए एक ही मकसद है कि हमारा जो पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में 100 बेड का अस्पताल यहाँ मौजूद है, कार्यरत है पिछले 5-6 सालों से, आज हमको सीजीएचएस की जो क्रेडिट फैसिलिटी की एम्पावरमेंट मिली है, उसके साथ साथ आयुष्मान के लिए ऑर्थोपेडिक्स एंड न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के लिए भी मान्यता यहाँ मिली है। और कुछ ही दिनों के बाद ईएसआईसी फैसिलिटी भी 1 महीने के बाद यहाँ हमारे पास मौजूद हो जाएगी। एक छोटा सा उनका एक इंस्पेक्शन रह गया है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे दरभंगा के आसपास के वासियों के लिए उपलब्ध करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। पर अभी ये योजना की मान्यता भी हमको मिल रही है। मैं दरभंगा का ही रहने वाला हूँ, पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और दरभंगा से एमएस करने की बात की, पारस में कार्यरत हूँ और बहुत खुशी है कि पारस दरभंगा को आयुष्मान और सीजीएस दोनों ही मिल गया है। और इससे तो जो सर्विस में है या एक सर्विस में है सीजीएस से, उनको फायदा होगा ही, साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं दरभंगा और आसपास के जिलों के, तो उन लोगों को भी आयुष्मान से बहुत ज़्यादा फायदा होगा और फ्री में उनका इलाज हो सकता है, कैशलेस इलाज हो सकता है बिना पैसे का, और अच्छा इलाज हो सकता है, जिस चीज के लिए हम लोग दरभंगा से पटना या दिल्ली रेफर करते थे। ठीक है यार, नी रिप्लेसमेंट या जो है हिप रिप्लेसमेंट या फिर ऑर्थोस्कोपी सर्जरी, ये सब के लिए वो अब आम लोगों के लिए दरभंगा पारस में ही उपलब्ध होगा और वो भी फ्री में आयुष्मान योजना के कारण।